तो दोस्तों, आप सभी के इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे थे कि ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो का रिव्यू करो, तो मैं उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का, तो कोई नहीं, पर अब मूवी का रिव्यू करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर हीडो जो होते हैं वो काफ़ी टाइम के बाद जेल से छूटे होते हैं, और वो डॉक्टर गैरो के भतीजे होते हैं। जब वो जेल से छूटे होते हैं, डॉक्टर हीडो तो वो बहुत शरीफ होते हैं, उन्हें ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग आके उनके पास आके हेल्प मांगते हैं कि तुम्हें सेन से बदला लेना है, और उन्होंने ही तुम्हारे डॉक्टर गैरो को मारा है। लेकिन डॉक्टर हीडो को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो शरीफ होते हैं। लेकिन वो उन्हें भड़काते हैं कि सेंस बहुत बुरे होते हैं और वो सबको मार देते हैं। तो डॉक्टर हीडो को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो एंड्रोस को बनाते हैं, जिसका नाम होता है गामा 1 और गामा 2। और इस पूरी मूवी में गोहान के ऊपर ही फोकस रहता है, किसी को ज़्यादा दिखाते नहीं है। गोहान के ऊपर और पिकलो के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उन दोनों की न्यू फॉर्म दिखाने वाले हैं इस मूवी में, इसलिए उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। और दोनों की नई फॉर्म दिखाते हैं, गोहन और पिकलो की। पर मैंने जितना सोचा था ये उतनी अच्छी मूवी नहीं निकली, मतलब जितना मैंने सोचा था उतनी अच्छी नहीं निकली। मैं चाहता था कि ये और अच्छी बन सकती थी। और इसकी रेटिंग है 7.2। और दोस्तों, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इसकी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी एनिमेशन बनाई है, आखिर जापान के लोग हैं, एनिमेशन तो अच्छी बनाएंगे, उनका नाम ही एनिमेशन में आता है। और दोस्तों, इसके फाइट सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। जैसे जब वो गोहान की लड़की को उठा लेता है और गोहान पावर अप करता है, वो सीन, ओ भाई क्या सीन लगता है। और जब पिकलो और गामा की लड़ाइयाँ हो रही होती है, जब पिकलो पावर अप करता है, वो सीन भी देखने में काफ़ी मज़ा आता है। उसमें भरपूर एक्शन है और इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है। और बाकी और आपको जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी, जो आपको हिंदी में मिल जाएगी। और जो चैनल पे पहली बार आया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस मूवी, किस सीरीज, किस एनिमे के ऊपर बनाना है, तो कमेंट करना ना भूलें। और आप हमसे चैट करके बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर बनाना है, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करो और चैट करो। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, जब तक के लिए बाय बाय।